शांति थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया और जैसे बाबा हम सबको बोलते हैं ना अपनी पर्सनैलिटी हमें कैसी बनानी है रूहानी पर्सनैलिटी और हमेशा जब भी रूह की बात आती है तो उसके साथ एक फूल आप हम सब ने सुना है आप सबने भी सुना होगा कुछ नहीं होंगे तो शायद ना भी सुना हो कि बाबा क्लास में क्या करते थे साकार में बाबा आ, क्लास में कई बार अलग अलग फूल लेकर आते थे और बाबा पूछते थे कि आप कौन से फूल हो क्योंकि कुछ फूल होते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन ना खुशबू नहीं होती उनके अंदर कुछ होते हैं जिन जो दिखते भी अच्छे हैं और खुशबू भी बहुत होती है उनके अंदर और आजकल तो वैसे भी आर्टिफिशियल फूलों का जमाना है कहीं पर भी जाते हैं है ना वैसे ज़्यादातर लोग आ, अगर हम सब एक्सपीरियंस करें कि कोई हमें मान लीजिए जो प्लास्टिक फूल्स हैं वो प्लास्टिक फ्लावर हैं बहुत सारे भी दें लेकिन रियल खुशबू वाला अगर एक छोटा सा भी होता है तो बहुत सुंदर लगता है और रियल गुलाब भी आजकल जब देते हैं तो उसमें भी खुशबू बहुत कम होती है है ना नाक नहीं होती है कईयों में लेकिन घर में अगर लगाया है तो उसमें खुशबू होती है तो बाबा कहते हैं कि मैं भी तुम्हें फूल बनाने आया हूं है ना हिंदी वाला फूल बनाने आए हैं बाबा और हमारे अंदर खुशबू है या नहीं और चेहरा भी क्योंकि सबसे बड़ी सेवा तीन प्रकार की सेवा की हम बात करते हैं मनसा सेवा वाचा सेवा कर्मना सेवा एक और अगर उसमें हम जोड़ें दैट इज संबंध संपर्क की सेवा तो बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले मुरली में कहा कि वाचा सेवा करना तो बहुत आसान है वाचा सेवा या कर्मना सेवा करना मुश्किल नहीं है ना यहाँ पर भी मधुबन में भी कई बार छोटे छोटे बच्चे आते हैं कल ही एक छोटी सी बच्ची आई इतना सुंदर उसने ज्ञान सुनाया कि कैसे किसी को समझाना है पहली बार कोई मिले तो मैंने वही सोचा उस समय वही बाबा की बात याद आई कि कर्मना सेवा करना या वाचा सेवा करना मुश्किल नहीं है क्यों क्योंकि कर्मना सेवा हम जब कर रहे हैं तो स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है कई बार ऐसा होता है ना ये स्थिति ऊपर नीचे है और हम कर्मना सेवा या वाचा सेवा कर रहे हैं वाचा सेवा के लिए थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि जैसे दुनिया में क्या होता है कि मान लीजिए किसी की स्टेज परफॉर्मेंस है तो वो क्या करेगा बहुत परेशान था दुखी था लेकिन अपने आप को गैदर करेगा एंड एक घंटा डेढ़ घंटा अच्छे से करके फिर से वही स्थिति हो जाती है कई बार तो वाचा सेवा सिर्फ अगर हम करते हैं तो उतना जमा नहीं होता एक्चुअल में और बाबा ने कहा मनसा सेवा क्योंकि उसके लिए हमारी स्थिति शक्तिशाली चाहिए और दिन भर में चलते फिरते सेवा करना वो हमारे चेहरे द्वारा हो सकती है क्योंकि चलते फिरते ऐसा तो नहीं होगा कि हर किसी को हम ज्ञान के पॉइंट सुनाते जाएं घर में खासकर है ना जिनके साथ हम रहते हैं ये मैंने अपना नियम बनाया है वैसे मैं बोलता भी हूँ शेयर भी करता हूँ जिनके साथ हम रहते हैं हर दिन उनको ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाना है हमें क्योंकि उनको कई बार ज्यादा ज्ञान सुनाना भी डेंजरस होता है है ना ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आती हैं जैसे एक बहन आए एक भाई आए तो वो ज्ञान में नहीं चल रहे थे तो उनसे जब बात हुई काफी देर तो समझ में आया उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि मेरे युगल ज्ञान में चलते हैं एंड वो हमेशा बोलते हैं कि आप ज्ञान में आओ शांति मिलेगी लेकिन उनको दस साल हो गए उनको तो शांति मिली नहीं जिस दिन उनको शांति मिलेगी तब मैं ज्ञान सुनूंगा तो हमारे चेहरे द्वारा सेवा हमारी स्थिति के द्वारा सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है और रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे पहली चीज जो है वो है खुशनुमा चेहरा सबसे पहली चीज अभी थोड़े दिन पहले वरदान में बाबा ने कहा था कि कई बार क्या होता है कि किसी ने सो बार हमें कुछ कहा और हमने सिर्फ एक सेकंड रिप्लाई किया क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई हमें गलत बोल रहा है आखिर कब तक सहन करे है ना चुप रहे कई बार इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें चुप रहना चाहिए या आंसर देना चाहिए अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कोई हमें गलत बोल रहा है कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है मान लीजिए हम पे गुस्सा कर रहा है तो रिप्लाई करेंगे चैट में कि हमें चुप रहना चाहिए अगर आपको लगता है चुप रहना चाहिए तो आप एक नंबर लिखिए वन है ना अगर आपका आंसर है चुप रहना चाहिए दैट मीन्स वन तो चैट में आप लिखिए एंड आपको लगता है कि कहीं कहीं जवाब देना चाहिए तो आप लिखिए सेकेंड तभी लिखेंगे Uh, मैं देख पाऊंगा शायद मुझे लगता है यस यस ओके रिप्लाई आ रहा है क्योंकि बाबा कहते हैं ना चुप रहो शांत रहना है कोई भी कुछ बोले चुप रहो एक हाथ से ताली नहीं बजती दो हाथ से ताली बजती है दुनिया में भी कहावत है कि दो हाथ से ताली बजती है ओके ठीक है एक दो सभी मिक्स uh, उत्तर आ रहे हैं मिक्स आंसर्स हैं हाँ अभी तक तो फिफ्टी फिफ्टी है क्योंकि छह रिप्लाई आए हैं किसी ने वन कहा किसी ने टू कहा ठीक है भाई जी एक्चुअली वो चैटिंग से, चैट सेटिंग अलग था तो, तो, हाँ, तो हाँ, ने जिसने, हाँ, जवाब जिसने दिया है फिर से एक बार दोबारा दे देंगे आई थिंक इसमें ऑप्शन भी कुछ आता है ना मुझे भी पता नहीं है वैसे एक वो भी आता है पोल का भी ऑप्शन आता है नेक्स्ट टाइम वो भी हम कर सकते हैं ठीक है वन वन काफी लोगों का उत्तर आ रहा है इस बार ठीक है ओके okay. तो हम सबके उत्तर अलग अलग होंगे है ना कोई कहेगा वन कोई कहेगा टू तो मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है वो आपके साथ शेयर करता हूं एंड उसमें से हमें बैठकर विचार सागर मंथन करना है कि हमें रिप्लाई करना है या नहीं करना क्योंकि कई जगह पर वैसे जो इसका आंसर है वो है टू जब बाबा कहते हैं चुप रहना है इट डज नॉट मीन कि हमें हमेशा बाहर से चुप रहना है ना कुछ एग्जाम्पल्स हम पहले समझते हैं क्योंकि आ, अनुभव जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है उससे हमें बहुत चीजें समझ में आती हैं एक बहन जो कि टीचर हैं और उन्होंने ज्ञान में वो शुरू हुए लगभग एक साल हुआ उनका मेरे पास फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैंने जब खाने की भोजन की धारणा शुरू की पवित्र भोजन खाना शुरू किया पहले हम ग्रुप में बैठ के खाते थे आ, टीचर्स के साथ तो मैंने अब शेयर करना बंद किया मतलब देना किया लेकिन लेना बंद किया तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्या किया आपने उत्तर दिया या नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं चुप रही बाबा कहते हैं ना चुप रहो तो इस केस में चुप नहीं रहना है ये हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा एक है इंटरनल चुप होना आंतरिक शांति है ना अंदर से मौन होना एक है बाहर से कुछ नहीं बोलना कई जगह पर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि रूहानी पर्सनैलिटी के लिए सबसे पहला जो हमने कहा खुशनुमा चेहरा दो चीजें साथ साथ लेते चलेंगे पहला खुशनुमा चेहरा सेकंड इज कॉन्फिडेंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट होना खुद में निश्चय होना एक है अहंकार वो अलग चीज है कॉन्फिडेंस एंड अहंकार दोनों अलग अलग चीजें हैं कॉन्फिडेंट जैसे उन्होंने कहा जब वो मजाक उड़ा रहे, आई शुड बी कॉन्फिडेंट हाँ इंटरनली मुझे शांत होना है आंतरिक शांति होनी चाहिए कि हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं वो उनका ओपिनियन है मान लो मजाक भी उड़ा रहे हैं निंदा स्तुति दोनों में समान है ना उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं आना चाहिए ये तो हमें करना ही है इंटरनल हम शांत हैं तो पहली चेकिंग हमें करनी है इंटरनली मैं शांत हूं या नहीं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये हम बाहर से कुछ नहीं बोल रहे होते हैं बाहर से चुप है लेकिन अंदर यहाँ पर हलचल है बहुत सारी ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं तो हमने शब्दों से तो कुछ नहीं बोला लेकिन अपने वाइब्रेशन से बहुत कुछ बोल दिया और हम सब जानते हैं कि हमारे वाइब्रेशन हमारे शब्दों से थाउजेंड टाइम्स मोर पावरफुल हैं तो अंदर शांत है ना इंटरनल हम शांत हैं क्यों शांत है उसके लिए हमें साक्षी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हर आत्मा के संस्कार अपने हैं उनकी समझ अपनी है जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है मुझे उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है मुझे उसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि योगी की डेफिनेशन क्या है निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख आर जीत सब में समान जिसको बाबा कई बार शब्दों में क्या बोलते हैं एक स्थिति है ना कल भी आया ये ज्ञान योग ये सब क्यों बाबा करा रहे हैं एक स्थिति अंत में बहुत कुछ होगा अर्थ क्वेक आएंगे बहुत कुछ जो कल बोला बाबा ने तो कल या परसों है ना बाबा ने ये एक्सप्लेन किया एक स्थिति हमारी रहे क्योंकि कुछ आत्माएं होंगी बाबा ने कहा कि लास्ट में बॉम्ब्स की आवाज से भी डर जाएंगी हार्ट अटैक आ जाएगा उनको और वो शरीर छोड़ देंगे तो इंटरनली मुझे शांत रहना है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूहानी पर्सनैलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनली शांत आंतरिक शांति आंतरिक शांति कैसे अचीव होगी साक्षी भाव से अभी बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने कहा था, साक्षी दो शब्द याद रखो साक्षी और खुशी दोनों कनेक्टेड है साक्षी खुशी या हम कहें साक्षी शांति खुशी है ना ये सब आपस में कनेक्टेड है एक्चुअल में तो हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है उनके ओपिनियन है कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज को समझना पड़ेगा कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है दोनों में साक्षी होना पड़ेगा अगर कोई हमें अप्रिशिएट भी कर रहा है मैं केवल एक के इंस्ट्रूमेंट हूं आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट कोई मेरी निंदा कर रहा है आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट जब हम खुद को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं तो फिर निंदा स्तुति दोनों में एक समान हार जीत हार जीत मीन्स कुछ चीजें मेरे अनुसार होंगी कुछ चीजें मेरे अनुसार नहीं होंगी है ना दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है स्ट्रेस में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है तब हमारी खुशी गायब होती अगर इंटरनली हम चेक करें किसी ने हमारे से अच्छा नहीं बोला एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कुछ चाह रहे थे इसको ना अच्छे से बोलना चाहिए मैंने इतने प्यार से बात की ये क्यों प्यार से बात नहीं कर रहे हैं है ना हर्ट हो गया खुशी गायब हो गई कुछ मेरे अनुसार होगा दैट मीन्स जीत कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा हार है ना इसमें इंटरनल मुझे शांति है तो इंटरनल शांति हुई एक्सेप्टेंस साक्षी स्वीकार दोनों एक ही चीज है साक्षी भाव स्वीकार भाव और अब हम डिसाइड करेंगे कि मुझे कुछ बोलना है या नहीं बोलना है। अगर यहां हलचल है तो तो बोलना ही नहीं है बिल्कुल तो तो मतलब इसको एक बोलते हैं ना कि कंफर्म हंड्रेड परसेंट है ये चीज कि जब भी अंदर हलचल है किसी भी कारण से चाहे हम बच्चे के कारण हर्ट हैं, किसी ने कुछ कहा किसी ने गलत कुछ भी है चाहे किसी के भले के लिए हम समझा रहे हैं नहीं किसी का भला नहीं कर सकते हम जब तक खुद का भला हमने नहीं किया फर्स्ट चेकिंग ऑलवेज क्या मैं इंटरनल शांत हूं क्या मेरा मन शांत है साक्षी है स्वीकार भाव है मेरे अंदर हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है हर्ट तो नहीं हूं मैं अगर हम हर्ट हैं अगर हम दुखी हैं किसी को कुछ नहीं समझाना है किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है खुद बैठकर खुद को समझाना है है ना जिसको बाबा कहते हैं खुद के साथ बैठो अंतर्मुखी सदा सुखी खुद के साथ बैठे थोड़ा सा क्यों मन शांत है उसको समझाए तो इंटरनली शांत है अब हम कई जगह पर समझाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस भी चाहिए कॉन्फिडेंस कब आता है विचार सागर मंथन करने से कोई भी बात को हम सामने कब रख पाते हैं जब हमने उस पर चिंतन किया होता है मान लीजिए हमने विचार सागर मंथन किया है भोजन पर कि मुझे भोजन प्योर क्यों करना है जैसे हमें याद है शुरू शुरू में जब हम धारणाएं हमने शुरू की भोजन की धारणा शुरू की तो एक्चुअली घर से तो हम बाहर रहते थे मोहाली में थे हम घर हमारा सिरसा हरियाणा में है और हमारा इंस्टीट्यूट था मोहाली में तो वहां जो भी टीचर्स थे साथ में और कोलीग्स थे हम साथ में भोजन लेते थे तो जिस दिन डिसाइड किया कि बाहर का भोजन नहीं करना है तो बहुत सारे प्रश्न आए है ना कई लोग नाराज भी हुए कि ऐसे कैसे बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट रीजन क्या था कॉन्फिडेंस का अब समझ में आता है क्योंकि मैंने कोई भी चीज जीवन में अंधविश्वास से नहीं की है ना एक्सपेरिमेंट किया कि एक महीना फर्स्ट मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं खुद अपने हाथ का भोजन बनाऊं एंड परमात्मा की याद में फिर स्वीकार कर तो जब एक महीना एक्सपेरिमेंट किया मैंने अपनी मन की स्थिति को देखा ऑब्जर्व किया जो मुझे डिफरेंस फील हुआ सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैंने ये किया इसलिए मैं बाहर का नहीं खाता हूं एंड आपका जीवन है आप डिसाइड करिए आई एम नॉट फोर्सिंग यू कई बार क्या होता है हम डर जाते हैं कि हम बोलेंगे तो पता नहीं सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा बट मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस इज नॉट ब्लाइंड फेथ है ना ये जो ज्ञान है ये ब्लाइंड फेथ नहीं है कई बार हम क्या करते हैं हम भी बिना विचार सागर मंथन किए क्योंकि किसी ने कहा कि बाहर का नहीं खाना है और हमने खाना बंद कर दिया उस पर सोचा नहीं कि क्यों नहीं खाना है है ना फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इसलिए कई जगह पर अंदर शांत बाहर हमें कुछ बोलना पड़ेगा लेकिन अर्थात मधुर बोल है ना हमारे बोल अभी थोड़े दिन पहले एक डिस्कशन चल रहा था हम मधुबन में थे और काफी सारे भाई बैठे थे तो यह डिस्कशन चल रहा था कि कोई व्यक्ति जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे जैसे हम आवास निवास में हैं कोई आता है तो कैसे हम मान लीजिए किसी ने वाइट कपड़े नहीं पहने हुए बैज नहीं डाला हुआ तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं पहले पहले इंट्रैक्शन में एक तो है किसी को हम जानते हैं किसी के साथ रहते हैं फर्स्ट इंट्रैक्शन कोई आया और उसने कुछ कहा ठीक है एक मिनट हमारा इंट्रैक्शन रहा तो कैसे पता लगेगा कि ये ज्ञान में है या नहीं है लिखेंगे सभी चैट में कोई आपसे मिला और सिर्फ थर्टी सेकेंड या से एक मिनट के लिए मिला उसने बताया नहीं एक तो है हम पूछते हैं आप ज्ञान में है या नहीं है है ना योग करते हैं या नहीं करते हैं धारणाओं में है या नहीं है लेकिन पहला इंप्रेशन क्या होगा मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सामने वाला ज्ञान में है या नहीं है ग्रीटिंग ओके वी नो दैम ओके ठीक है ये फीलिंग आएगी हम जानते हैं इनको पहली बार मिले हैं तो भी ओके मतलब से हमें पता लगेगा कि वो ज्ञान में है या नहीं एक है ज्ञान सुन रहे हैं वो अलग चीज है है ना जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान में आप है या आप में ज्ञान कब से आप तो दस साल से बीस साल से ज्ञान में ज्ञान आप में कब से यस दो चीजें मेन होंगी पहला होगा चेहरा हो सकता है आपने इंटरेक्ट भी नहीं किया किसी से जैसे एक संगठन मान लीजिए सौ लोग बैठे हैं तो अलग अलग चेहरे हैं सबके है ना एक तो है कि आ, फिजिकल कोई सुंदर है कोई चेहरा उतना अच्छा नहीं है लेकिन वो अलग चीज है कई लोग हैं जिनका दुनिया के हिसाब से हम कहते हैं कि चेहरा उतना आ, ऐसा कि ब्यूटीफुल नहीं है लेकिन उनके चेहरे पे जो नूर है जो प्योरिटी है है ना वो अट्रैक्ट करती है सबसे पहले एक छोटा बच्चा है चाहे वो काला है गोरा है कोई भी है लेकिन अगर वो स्माइलिंग उसका चेहरा है तो हर कोई उससे अट्रैक्ट होता है वो इनोसेंस वो प्योरिटी यहां अभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं है उसके अंदर है ना इसलिए वो अट्रैक्ट करता है सबको तो सबसे पहला है हमारा चेहरा और चेहरा किस पे डिपेंड करता है हमारे मन पर फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड अगर मेरे संकल्प बहुत ज्यादा चल रहे हैं टेंशन वाले हैं कई बार होता है ना जल्दबाजी करना क्योंकि आज का जमाना है जल्दी जल्दी करना सब कुछ बट दैट इज टोटली रॉन्ग मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है आई वॉज इन ज्ञान सरोवर तो एक भाई हमारे साथ वाले बेड पे थे जब हम सेवा में थे तो साथ वाले बेड पे थे तो कई बार हमने उनको ऑब्जर्व किया क्योंकि शुरू शुरू में तो आ, हम सबका अनुभव है कि अमृत वेला शुरू शुरू हमने किया था उस समय क्योंकि हमें आई थिंक सिक्स मंथ्स हुए थे बाबा के बने सिक्स मंथ या नाइन मंथ तो क्या होता था कि साढ़े तीन पौने चार जाते थे कभी कभी उठने में एंड चार बजे हम जाते थे तो कई बार क्या होता था जो साथ वाले हमारे साथ में एक भाई थे तो उनको कभी अगर लेट हो गया मतलब थ्री फोर्टी फाइव हो गया या थ्री फिफ्टी हो गया तो बहुत भागते भागते जाते थे बाबा रूम में और हमारा एक नियम था कि ठीक है लेट हो गए जल्दी उठना चाहिए लेकिन लेट भी हो गए तो भी मुझे शांति से जाना है वो समय भी योग युक्त होकर जाना है तो उन्होंने हमें एक हफ्ते के बाद बताई ये बात लगभग वन वीक टेन डेज कि जब मैं ऐसे भागते हुए जाता था तो मैंने आपको देखा एंड मैंने सोचा कि नहीं शांति से जाना है तो डिफरेंस क्या फील हुआ जब भागते हुए जाता था पंद्रह मिनट वहां बैठ भी मन को शांत करने में लग जाते थे ना कई बार ऐसा होता है ना कि हम उठते हैं अंदर थॉट्स चलने शुरू होते हैं लेट हो गए लेट हो गए ना आज फिर लेट हो गए और उससे क्या हुआ जो फोर चार बजे हम उठे मान लीजिए लेकिन वो जो फोर्टी फाइव मिनट्स है वो भी खराब हो गए या किसी केस में आप आपके से जो नए होंगे मान लीजिए किसी किसी दिन फोर फिफ्टीन भी हो गया उठे उठे तो ये नियम हमें बनाना है कि पहले मुझे थर्टी मिनट्स अच्छे से योग करना है एटलीस्ट थर्टी मिनट्स का तो मैं फायदा ना ऐसा ना हो कि यहां इतने सारे थॉट चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं गिल्ट के चलते जाएं कि वो थर्टी मिनट्स भी वेस्ट हो जाए और बहुत सारे चांसेस हैं कि वो थर्टी मिनट्स अगर वेस्ट हो गए तो पूरा दिन भर उसके बारे में हम सोचते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें जल्दी उठना है सही समय पे उठना है लेकिन किसी कारण अगर नहीं उठ पाते हैं, तो भी मन ये हमारा पुरुषार्थ ही मेन ये है अपने संकल्पों की स्पीड को स्लो करना किसी ने हमें कुछ कहा एकदम से संकल्प चेक करना है दैट इज द मेन पुरुषार्थ अपने संकल्पों को चेक करना सेल्फ रिफ्लेक्शन मेरे अंदर क्या चल रहा है क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं जो ज्ञान में नहीं है उनके तो आते ही हैं, लेकिन जो ज्ञान में है उनके भी है ना अभी एक बहन आई तो अंदर कई बार हमने बहुत सारी चीजें पकड़ी हुई होती हैं। हम जैसे मान लीजिए कि घर में हमसे कोई मिलने आए एकदम से हमें पता लगा कि बाहर खड़े हैं तो हम क्या करते हैं जो भी कचरा है थोड़ा थोड़ा तो अंडर द कारपेट बोलते हैं ना इसको या अलमीरा है तो क्या करते हैं सारा सामान जो एक बार अलमीरा में भर देते हैं कि बाद में सेट करेंगे अच्छे से तो ये नेचर जो है अंडर द कारपेट नहीं रिजोल्व करना है चीजों को बैठकर मन के अंदर अगर किसी के लिए नफरत भरी हुई है क्योंकि रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात सबके लिए ब्लेसिंग्स किसी एक आत्मा से भी नफरत नहीं किसी ने हमारे साथ गलत किया है हमें चेक करना है आज बैठ के ये चेक करेंगे ये पुरुषार्थ करेंगे किसी भी एक आत्मा को सामने लाएंगे और ये चेक करेंगे जिसने गलत किया था उसको सामने लाएंगे हमारे साथ एक साल पहले छह महीने पहले दो साल पहले जब भी उसने हमारे लिए गलत बोला उसने हमारी हमारे लिए गलत मिस इन्फॉर्मेशन है ना आजकल ये भी बहुत बड़ा कारण है खुशी गायब होने का कि कोई हमारे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है बिना कारण के कारण बिना कारण नहीं होता एक्चुअल में हो सकता है जेलसी पुराना कार्मिक अकाउंट उनके लिए हम ब्लेसिंग्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं उनको हम दुआएं दे सकते हैं या नहीं है ना? इट इज नॉट इजी कोई कहे कि नहीं नहीं हम तो दे देते हैं अगर ध्यान से हम चेक करेंगे हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि मनसा सेवा में अगर विश्व का ग्लोब सामने हम रखें और वाइब्रेशन दें इट इज वेरी इजी पूरे संसार को वाइब्रेशन देना लेकिन उस एक आत्मा को वाइब्रेशन देना जिसने हमारे साथ गलत किया या हमारा ट्रस्ट तोड़ा या हमारे लिए गलत बोला हमारी निंदा की ना उसको अगर हम ब्लेसिंग्स दे पाए इट विल टेक टाइम और ये बहुत मेहनत है ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा क्योंकि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो कुछ ना कुछ संकल्प चलते हैं अगर हम ध्यान से चेक करें तो उनके लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करना तो रूहानी पर्सनैलिटी अंदर शांत सबसे पहला इंटरनल शांत इंटरनल शांत का मतलब जीरो थॉट्स नहीं कम थॉट्स, है ना जीरो नहीं करने की कोशिश करनी है क्योंकि अभी कल एक भाई मिले तो उन्होंने यही बोला कि शुरू शुरू में मैं बहुत गलत पुरुषार्थ करता था मैंने बोला क्या कहते बाबा रूम में बैठ के मैं सोचता था सोचना ही नहीं है मुझे लेकिन हम ये तो सोचते हैं ना कि सोचना ही नहीं है वो भी थॉट्स हैं एक्चुअल में तो स्लो डाउन करना है अपने थॉट्स को स्लो डाउन थॉट्स को करने की विधि एक ही है सिर्फ स्वमान ज्ञान जो विचार सागर मंथन व्यर्थ चल रहा है मान लीजिए मन में नेगेटिव चल रहा है व्यर्थ चल रहा है कभी भी अपने व्यर्थ संकल्पों से लड़ाई हमें नहीं करती अगर मैंने अपने वेस्ट थॉट से लड़ाई करने की कोशिश की नहीं जीत पाएंगे कभी नहीं जीत पाएंगे हमें सिर्फ क्या करना है चैनलाइज करना है अच्छा मुरली का आज वरदान क्या था जैसे हम दूसरों से पूछते हैं ये बहुत सिंपल पुरुषार्थ है नेगेटिव खत्म करने का चार लोग बैठे हैं नेगेटिव बातें हो रही हैं मान लीजिए सिंपल आपका भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना नेगेटिव बातें हो रही हैं आप सिर्फ कहना अच्छा आज का स्लोगन क्या था अगर बीकेज है तो आज का वरदान क्या था आप देखेंगे उसी समय सब शांत हो जाएंगे ऐसे ही अपने मन को शांत करना कुछ भी नेगेटिव चल रहा है कुछ भी हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं अपने मन से एक प्रश्न पूछना आज बाबा ने वरदान में क्या कहा आज बाबा ने मुरली में क्या कहा जैसे ही हम वो थॉट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे आप देखेंगे नेगेटिव खत्म होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसा इमोशन है जो हमने पकड़ा हुआ है कोई ऐसा हर्ट है कोई ऐसा ट्रॉमा है जो हमने पकड़ा हुआ है कई सालों से बैठ के उसे हील करें कैसे हील कर सकते हैं देर आर मैनी वेज उसमें से एक तरीका है लिखना शुरू शुरू में हमने किया था आ, मुझे नहीं पता आप सब में से सबने किया है या नहीं लेकिन ये हमें जरूर करना है इसने मेरी बहुत हेल्प की थी है ना पास्ट को भूलने में कैसे आराम से बैठिए बाबा के कमरे में और लिखिए बाबा से माफी मांगना एन माफी देना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हुआ बचपन से कि एक-एक एक-एक चीज़ चीज़, छोटी-छोटी चीज, कई बार क्या होता है हम कहते हैं ये तो छोटी सी चीज है एक एक चीज लिखना उस दिन ऐसा हुआ था जो भी याद है और मुझे हर्ट हुआ था या मेरे से ये गलती हो गई थी क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था हम तो हम बाबा को हमेशा बोलते हैं कि बाबा हमसे तो कोई गलती ना होती अगर हमें पहले ज्ञान दे देते आप तो तो खुद को गिल्ट में नहीं भरना है कई बार हम गिल्ट में भर लेते हैं खुद को एंड ये जो इमोशन है गिल्ट का दैट इज वेरी वेरी डेंजरस है ना गिल्ट ठीक है रियलाइज किया मूव ऑन किया आगे बढ़े तो लिखा हुआ कि ये गलती हो गई मुझसे ये गलती हुई या सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा गलत किया जैसे ही हम लिखते हैं तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जितना भी आपको लगता है पूरी जीवन कहानी बाबा को देना शुरू शुरू में ऐसा होता था बाबा को पूरी जीवन कहानी या दादियों को भी पूरी जीवन कहानी स्पेशली मधुबन में कोई समर्पित होता है तो पूरी अब तो ऐसा नहीं है लेकिन पहले पूरी जीवन कहानी कि ये गलती हुई ये गलती हुई सारा दादी को बताना पड़ता था तो बाबा के सामने बैठ कर उसको हील करना क्योंकि अंदर जो इमोशंस हमने कई सालों से पकड़े हुए हैं कई बार क्या होता है कि वो अंदर 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 हम बाहर से नहीं कर रहे होते हैं जो कहा ना बाहर से हम दुनिया में कहा जाता है ऐसा वैसे होता भी है नहीं भी होता है दुनिया में कहा जाता है कि जो ज्यादा हंस रहे होते हैं ना बाहर से अंदर उतने ही वो दुखी होते हैं तो इसलिए बाबा हमेशा क्या बोलते हैं जोर जोर से हंसना नहीं है ये आप कभी भी चेक करना दुनिया में आप देखेंगे जो ओवर एक्साइटेड लोग हैं जो बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं अंदर उनके अंदर उतना ही नेगेटिव है ना नाइनटी नाइन परसेंट चांस है इसलिए बाबा कहते हैं स्माइल और ये स्माइल जो है सिर्फ एक्सटर्नल की बात नहीं है इंटरनल इंटरनल स्माइल कब करते हैं हम जब हमारे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है कोई हर्ट नहीं है इसने वैसे किया उसने नहीं ड्रामा में जो सीन आया मेरा कार्मिक अकाउंट था सेटल हो गया किसी ने हमें गलत बोला एक तो कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी थोड़ी चेकिंग हुई है ना थोड़ा पता लगा ना अहंकार है या नहीं है क्योंकि अहंकार टूटता कब है बिना कारण के जब हमें कोई कुछ बोलता है हमारी गलती नहीं है फिर भी सबके सामने हमारे को गलत कहा जा रहा है दैट इज द टाइम जब हम चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर अहंकार कितना है क्योंकि अगर हर्ट फील हो रहा है केवल एक कारण है कि अहंकार है हमारे अंदर अहंकार क्या है कि मैं तो सही हूं मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये मैं तो गलत नहीं हूं है ना तो अपने आप को इतना हमें एम्पावर करना है तो सबसे पहला क्या हुआ इंटरनली शांत रूहानी पर्सनैलिटी के लिए अंदर से हम शांत हैं साक्षी हैं शांत कब रह सकते हैं जब साक्षी हैं बिना साक्षी शांत नहीं रह सकते हैं कुछ भी हो रहा है किसी ने कुछ कहा किसी ने मेरी बात नहीं मानी बच्चे हैं बात नहीं मान रहे हैं गलत यहां तक कि गलत दिशा में भी है मान लीजिए मैं शांत हूं क्यों जैसे बाबा साक्षी है ऐसे ही मैं भी साक्षी हूं सोच के देखिए चिंतन कितना सुंदर ये चिंतन है बाबा कैसे साक्षी होकर सब कुछ देख रहा है उसे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है कौन ये भी है बाबा ने आज मान लो कहा कि गुस्सा नहीं कर रहा है और किसी बच्चे ने अगर गुस्सा भी किया तो भी बाबा गुस्सा नहीं होता है डिस्टर्ब नहीं होता है वो साक्षी है कहते है, जो आप करेंगे वो आपको मिलना है लेकिन हम गलती क्या करते हैं जहां मेरा आ जाता है बीच में मेरा बच्चा मेरा पति मेरा दोस्त मेरा सेवा साथी है ना कई बार हम उनके भले के लिए चिंता करते हैं किसी की चिंता नहीं कर उनके भले के लिए भी नहीं क्योंकि हमारा जो रोल है, that is temporary. मुझे मदर का रोल मिला हुआ है वो टेम्परेरी है इस जन्म में है सिर्फ उसका परमात्मा के संबंध साथ जो है दैट इज अविनाशी लेकिन बाबा जब साक्षीयों को देख रहे तो मैं साक्षियों के क्यों ना देखू है ना तो फर्स्ट इंटरनली हम शांत रहे पहला दूसरा चेहरा हमारा कैसा रहे मुस्कुराता हुआ हर्षित जोर जोर से हंसना नहीं है हर्षित चेहरा है ना एक रस चेहरा नहीं तो कई बार क्या होता है किसी ने कुछ बोला बाबा ने कहा चेहरा बदल जाता है और बाबा ने कहा एक सेकंड बोलना तो दूर की बात है अगर किसी ने कुछ कहा चेहरा बदल गया अगर दुख की लहर आ गई चेहरे पे तो फेल हो गए बट ये बहुत पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए क्योंकि जैसे कहा ना कि कोई हमारी गलती पे कह देता है तो भी अच्छा नहीं लगता है कोई बिना गलती के हमें कुछ कहता है मान लीजिए आपके प्योर इंटेंशन हैं आपने सेवा की और कोई आकर कहे कि आप तो ना सेल्फिश हैं आप अपने नाम मान शान ये हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं ये हमें बहुत पसंद है कोई व्यक्ति है वो दान नहीं देता है लोग उसकी बुराई करते हैं कि देखो दान भी नहीं देता है ये सेवा भी नहीं करता है कोई है जो दान देता है तो लोग क्या कई बार बुराई करते हैं कि देखो अपने नाम मान शान के लिए ये कर रहा है है ना तो जिसने जो बोलना है वो तो बोलेगा क्योंकि ईर्ष्या भी है दुनिया में कलयुग है ना ईर्ष्या के संस्कार है कंपेरिजन के संस्कार है या दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को बड़ा दिखाना ये भी संस्कार है तो इसमें हमें क्या करना है कोई हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है कि हम खुश कब रह सकते हैं जब मुझे अंदर से क्लियर है कि मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं एंड आई डोंट नीड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे अपनी खुशी को अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पर है ना इसको तीन खुशी बोलते हैं जैसे भोजन है तीन ऐसी खुशी भी तीन प्रकार की है सात्विक राजसिक तामसिक तामसिक मीन्स किसी को नीचे गिराकर किसी को दुखी कर कर खुशी मिलती है दैट इज डिपेंडेंट किसी ने मेरे बारे में अच्छा बोला अप्रिशिएट किया मैं बहुत खुश हो गया ओवर एक्साइटेड कि मेरी महिमा हो रही है चेहरे पे अलग ही खुशी आ गई अलग ही नूर आ गया और किसी ने क्रिटिसाइज किया सारी खुशी गायब हो गई चेहरा ही बदल गया बिल्कुल एक रस अप्रिशिएट कर रहा है वो भी उसका ओपिनियन है बहुत अच्छी बात है मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं मुझे पता है मैं सही बात पे हूं मैं सही कर रहा हूं क्योंकि खुश रहने के लिए श्रीमत पे चलना बहुत जरूरी है बिना श्रीमत पे चले खुश नहीं रह सकते क्योंकि श्रीमत पे अगर नहीं चल रहे तो हमें बाहर से वैलिडेशन चाहिए होंगी बाहर से अप्रिसिएशन चाहिए होगा एंड वो तो हमेशा मिलने वाला नहीं है आप कुछ भी कर लीजिए ब्रह्मा बाबा को भी हंड्रेड परसेंट एप्रिसिएशन नहीं मिला था दादियों को भी दादी को अव्यक्त बाबा ने कहा था कि अगर नाइन्टी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट लोग आपसे संतुष्ट हैं फाइव परसेंट मार्जिन है कोई बात नहीं क्योंकि पांच परसेंट लोग तो असंतुष्ट रहेंगे आप कुछ भी कर लीजिए कहा जाता है ना कि अगर आप अपना गला काट के भी उनके सामने रख देंगे ना तो वो क्या कहेंगे ये ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे काटना था आपने गलत काट दिया अपना गला जिसको असंतुष्ट रहना है आप कुछ भी कर लीजिए वो असंतुष्ट रहेगा हाँ हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन कोशिश फाइव परसेंट तो रहेंगी और वो भी इट डिपेंड्स ऑन माय स्थिति अगर मेरी स्थिति उतनी पावरफुल नहीं है तो टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट धीरे 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 जितना हम पावरफुल होंगे प्योर वाइब्रेशन हमारे होंगे फिर भी अंतिम संपूर्ण जब हम बन जाएंगे तब भी फाइव परसेंट आत्माएं रहेंगी जो असंतुष्ट होगा या ईर्ष्या होगी वो अपने ही संस्कारों के कारण परेशान होंगे तो खुशनुमा चेहरा आज हम पुरुषार्थ करेंगे फिफ्टी टाइम इसके साथ एक और ऐड कर देते हैं फिर हम प्रैक्टिस आज आज क्या करनी है हमें क्योंकि ज्ञान मतलब सिर्फ मुरली नहीं वो तो करनी ही है सिर्फ योग बैठकर योग नहीं दिन भर हम क्या कर रहे हैं है ना अटेंशन खुशी हो दिन भर कि आज मुझे ये पुरुषार्थ करना है रात को चार्ट लिखेंगे तो भी खुशी से लिखेंगे फिर कि आज पूरा दिन भर मैंने इस चीज पर काम किया और क्रिएटिव होना हर दिन हर दिन कुछ नया आज हम एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे 1985 की बाबा ने उसमें कहा दुनिया में जैसे होता है ना टूडेज थॉट आज का विचार ऐसे ही आज का मैंने क्या पुरुषार्थ किया और वो उमंग उत्साह कि अच्छा मैंने इतना किया आज जो प्रैक्टिस करनी थी एटी परसेंट मैंने किया 90 परसेंट मैंने किया और दूसरों को कराना चाहे एक के साथ हम शेयर करें चाहे दो के साथ शेयर करें वो खुशी वो उमंग उत्साह होना चाहिए कि मुरली जैसे वो हर कोई चेक कर सकता है कि मुरली जब पढ़ते हैं क्या उमंग उत्साह रहता है मतलब वो खुशी रहती है या लगता है कि अच्छा पढ़ नियम है पढ़ना तो पड़ेगा ही है ना कई लोग नियम के कारण भी पढ़ते हैं नेमी नाथ जिसको बोलते हैं या मेरे अंदर वो खुशी है एक्साइटमेंट है कि आज बाबा ने क्या कहा आज मुझे क्या धारण करना है पूरे दिन भर में तो रूहानी पर्सनालिटी के लिए एक और चीज करते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगले एक महीने हमें क्या प्रैक्टिस करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है विच इज वेरी वेरी सिंपल और स्पेशली कर्म योगी बनने के लिए वो है शुक्रिया करना ग्रेटिट्यूड बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में ग्रेटफुल हैं नॉन बीकेस की हम बात ही नहीं कर रहे जो ज्ञान में नहीं ज्ञान में जो है एक सिंपल चीज मान लीजिए हम किसी के पास गए हम मान लीजिए मधुबन में ही आए या सेंटर पे गए या ऑफिस में गए कहीं पर भी किसी ने थोड़ी सी भी हेल्प की चाहे वो उनका काम है मान लीजिए भोजन किसी ने भोजन सिर्फ दिया हमें शुड बी ग्रेटफुल मन से भी एंड शब्दों में भी कई बार हम क्या कहते हैं हम कहते हैं हाँ शुक्र हम ग्रेटफुल हैं शब्दों में क्या बोलना है बार बार और कई लोग बोलते हैं रिलेशन में शुक्रिया जरूरत नहीं है है ना सॉरी एंड थैंक्स दोस्ती में जरूरी नहीं है बहुत जरूरी है जिनके साथ आप रहते हैं गलती अगर हुई है दिल से सॉरी मांगिए उनसे शब्दों में नहीं सिर्फ और अगर किसी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हेल्प मीन किसी ने खाना बनाया आपके लिए शुड बी ग्रेटफुल उनका शब्दों में शुक्रिया करिए एंड एप्रिसिएशन करिए कि ये बहुत अच्छा बना है हर दिन तो जब हम शुक्रिया करते हैं तो क्या होता है हमारी खुशी इंक्रीज होती है इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड ना साइंस ने इसको प्रूव किया है बहुत सारी रिसर्च हुई है अलग अलग लोगों पर जब हम ग्रेट ग्रेटिट्यूड से भरे हैं ग्रेटफुल हैं बहुत हमारी खुशी इंक्रीज होती है और जिसका हम शुक्रिया करते हैं उसकी भी खुशी इंक्रीज होती है हम गाड़ी पे बैठे किसी ने हमें ड्रॉप किया शुक्रिया चाहे उसका काम है आपने पैसे भी दिए हैं उसको फिर भी शुक्रिया करिए उसका जब हम किसी का शुक्रिया करते हैं हमारी खुशी इंक्रीज होती है सामने वाले की खुशी इंक्रीज होती है और खासकर संबंधों में जब हम साथ में अगर हैं रिलेशन बहुत सुंदर होते हैं ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन दोनों कनेक्टेड हैं आपस में जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं उनकी क्वालिटीज के लिए मान लीजिए आपने बच्चे को कुछ कहा दस बातें कही उसने आठ बातें मानी दो बातें नहीं मानी ऐसा तो होता ही है किसी को भी कहा किसी व्यक्ति को छोटे को बड़े को बच्चे को जूनियर को दस बातें कही आठ बातें उसने मानी दो बातें नहीं मानी हम गलती क्या करते हैं उन दो बातों को पकड़ लेते हैं और फिर हम दो बातों को पकड़कर क्या बोलते हैं कि आपने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी कभी ये गलती नहीं करनी दो बातें तो नहीं मानेंगे कोई भी व्यक्ति आठ बातें अगर कोई मान रहा है आई शुड बी सो ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड तो आज से हम ये प्रैक्टिस करते हैं आज पूरा दिन भर पहले एक दिन शुरू करते हैं एक महीना फिर बाद में है ना नहीं तो एक महीना पहले मन को दे देते हैं ना मन कहता है कि बहुत बड़ा काम है ये तो मेरे से नहीं होगा तो आज पूरा दिन भर वैसे वहां तो आई थिंक शाम है तो कल है ना तो कल हमें करना है आज भी करना है रात को जितना समय बचा है कल पूरा दिन भर में शुक्रिया शब्द यूज करना है फिफ्टी टाइम्स पचास बार मन में अनशब्दों में और जब शुक्रिया करेंगे चेहरा कैसा होगा चेहरा कैसा होगा स्माइलिंग चेहरा ठीक है दुखी वाला चेहरा नहीं ब्राह्मण अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सोचिए फरिश्ता देवता या ब्राह्मण भी क्या दुखी चेहरा हो सकता है सिर्फ इमेजिन करिए देवता देवस्वरूप हमारा और उदास बैठा है चिंता कर रहा है क्या होगा बच्चे का क्या होगा इसने मुझे ऐसे कह दिया हर्ट है होगा ऐसा नहीं अपने देव चलते फिरते देवस्वरूप को अनुभव करना ये चिंतन हम तो इस चिंतन में बहुत बार रहते हैं मानो हम कहीं बाहर घूमने गए मान लो पार्क में घूमने गए तो सोचते हैं कि सत्युग में कैसा होगा है ना कैसे हम चलेंगे ये बहुत सुंदर पुरुषार्थ है आप एक घंटा सैर करिए शरीर की भी आ, शरीर भी अच्छा होगा सैर करने से प्लस कैसे जब आप देवी देवता थे देव स्वरूप में थे हमारा चाल कैसी थी चलने का ढंग कैसा होगा सोच के देखिए हमारा देखने का ढंग कैसा होगा हमारा चेहरा कैसा होगा है ना खुशनुमा चेहरा एक तो है विजुअलाइज करना वो भी हमें करना है लेकिन एक है उसको फील करना अभी मैं वो हूं अगर मैं देवी देवता अभी देव स्वरूप में हूं मैं सामने वाले को किस नजर से देखूंगा क्या उसका शरीर मुझे दिखेगा दिखेगा मीन्स अब ये भी ध्यान रखना है कई लोग इसमें भी ये ट्रैप में भी फंस जाते हैं बाबा कहते हैं ना देखते हुए नहीं देखो आत्मा को देखो अभी आया था डायमंड देखो तो कई लोग गलती क्या करते हैं वो कहते हैं शरीर दिखना ही नहीं चाहिए मुझे है ना और यहाँ कुछ चमकता हुआ मुझे दिखाई देता रहे बार बार ऐसा नहीं है वो तो साक्षात्कार है वो किसी को हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कई बार हमें लगता है योग का अनुभव माना साक्षात्कार होना कुछ और फिर हम कुछ अनुभव सुनते हैं अभी हम नागपुर में थे तो वहां एक बहन से डिस्कशन इसी बारे में हुई उन्होंने तो कहा मेरा तो योग लगता ही नहीं है मैंने पूछा ऐसा क्यों तो उन्होंने कहा कुछ दिखना चाहिए ना कुछ तो दिखना चाहिए इतने अनुभव हम सुनते हैं उनको ये दिखा वो दिखा मुझे तो कुछ दिखता नहीं है नहीं इस ट्रैप में कभी नहीं फंसना है दिखना कई बार वो हमारी इमेजिनेशन होती है आप सोचते जाओ बाबा सामने बाबा सामने है वो आपको फील होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको बाबा के प्यार का अनुभव हो रहा है और हम तो हमेशा बोलते हैं कैसे पता लगेगा हमारा योग लग रहा है या नहीं लग रहा है अगर आप खुशी से भरपूर हैं अगर आपको संतुष्टता फील हो रही है बिना योग के इट इज इंपॉसिबल इसको लिख सकते हैं यहां बुद्धि रूपी कंप्यूटर में अगर आप संतुष्ट हैं अगर आपको बाबा के प्यार का अनुभव होता है अगर आपको फील होता है ना बाबा मेरे साथ है दैट मींस आपका योग बहुत सुंदर है अगर आपको रात को नींद आती है अच्छे से निश्चिंत इससे बड़ा भाग्य दुनिया में कोई नहीं है अगर आप एक घंटा योग में बैठते हैं और एकाग्र हो जाते हैं इधर उधर की बात आपको तंग नहीं करती दैट मीन्स आपका योग लग रहा है कंफ्यूज नहीं करना है नहीं तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कई बच्चे बार बार यही सोचकर योग खत्म कर देते हैं पता नहीं योग लग रहा है नहीं लग रहा है पता नहीं कुछ दिख तो रहा नहीं है यही योग है क्या अगर आपको संतुष्टता फील हो रही है खुशी बाबा का प्यार अगर आपको ये फील हो रहा है ना बाबा मेरे साथ है दैट मीन्स दैट इज योग योग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुश्किल नहीं करना है अगर आपका मन बुद्धि एकाग्र हो रहा है दैट मीन्स योग युक्त है हम अभी हम जो बात कर रहे थे कि कोई मिलने आता है कैसे पता लगेगा ज्ञान और योग है या नहीं चेहरे से एंड दूसरा शब्दों से रिस्पेक्ट देना दूसरों को दूसरों को अप्रिशिएट करना दूसरों को रिस्पेक्ट देना हम्बल होना यह है ज्ञानी और योगी की निशानी तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए रूहानी है ना रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं इतना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं मेरे साथ इतना प्यार से मेरे साथ बात कर रहे हैं है ना दुनिया अलग और ये हमारा जो बोलने का ढंग है वो अलग हो दूर से पता लगना चाहिए बट इसके लिए बहुत तपस्या अपने शब्दों पर कंट्रोल लाने की बहुत तपस्या है जैसे कि हम किसी कोई हमसे मिला हम तू कह के भी बात कर सकते हैं आप कह के भी बात कर सकते हैं है ना जी कह कर भी बात कर सकते हैं जैसे हम किसी को लिखते भी हैं मान लीजिए कोई है तो अगर हम उसको भाई भी लिख सकते हैं भाई जी भी लिख सकते हैं लिखना भी एक तो है ये बोल लेकिन आजकल तो ये भी है ना व्हाट्सएप पे हमने लिखा कुछ क्या लिखा उससे भी पता लगेगा सामने वाले को आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना अभी थोड़े दिन पहले ही जो मैंने बताया हमारी चर्चा हो रही थी मधुबन में भाइयों के साथ तो एक भाई ने बहुत अच्छा शेयर किया हम भी ये करते हैं आप किसी को रिस्पेक्टफुली लिखिए मैसेज भेजिए वहां से रिस्पेक्ट वाला मैसेज उन्होंने दिखाया कि मैं भेजता हूँ भाई जी तो वहां से भी रिप्लाई आता है भाई जी और अगर हम वहां है ना रिस्पेक्ट अगर नहीं होगी स्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट और कहीं से नहीं भी मिले हाँ ये भी ध्यान रखना है ऐसा नहीं फिर हम इसमें भी फंस जाए कि देखो मैंने रिस्पेक्ट दी इसने नहीं दी कोई बात नहीं हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि जिसके अंदर जो है वही देगा तो रूहानी पर्सनैलिटी के लिए कुछ बातें हैं जो हमने आज डिस्कस की सबसे पहली है अंदर से शांत कुछ भी हो जाए सबसे बड़ी सबसे बड़ा खजाना सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ी प्राप्ति या ऊंच पद पाने के लिए सबसे पहली चेकिंग वो क्या है ओम शांति कि मैं यहां शांत हूं या नहीं कुछ भी हो जाए कोई हमें गलत बोल रहा है कोई हमें सही बोल रहा है दोनों में शांत कोई हमें अच्छा बोल रहा है तब भी शांत अगर तब ओवर एक्साइटमेंट है सातवें आसमान पर हम पहुंच गए अहंकार हमारे अंदर आ गया क्या होगा फिर फिर किसी का क्रिटिसिज्म नहीं सुन पाएंगे अभी थोड़ा दिन पहले हम जब सैर कर रहे थे बहुत सुंदर एक चिंतन चल रहा था क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अयोध्या में है ना राम का मंदिर और राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वही चिंतन चल रहा था कि एक मूर्ति जब बनती है सुना हमने कई बार है लेकिन जब उसको डीप रियलाइज हम करते हैं ना कि जब मूर्ति बनती है तो उस पर कितना ठोका जाता है उसको कार्व करने के लिए दो महीना तीन महीना है ना कितना समय लग जाता है उसको कार्व करने एक पत्थर से बनाई जाती है तो हमारे सामने छोटे मोटे पेपर तो आने हैं कभी भी बाबा को ये मत बोलें या ये एक्सपेक्ट मत करें कि मेरे सामने पेपर नहीं आएंगे पेपर तो आएंगे चेकिंग हो रही है हमारी जैसे रमेश भाई जी बोलते थे ना कि कहीं हम घड़ा भी लेने जाते हैं पहले तो दस रुपए का घड़ा आता था घड़ा भी लेने जाते हैं तो कैसे उसको ठोक ठोक के देखते हैं हम तो बाबा भी हमें विश्व का मालिक मना रहा है तो वो चेकिंग तो करेगा हमारी मान लीजिए हम सुबह उठे हमने अमृत वेले में सोमान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ ठीक है मान लीजिए हमने बहुत अच्छा फील किया मिनट्स। मास्टर मान आत्मा अब पूरे दिन भर में चेकिंग तो होगी ना कैसे चेकिंग होगी किसी ने हमें कुछ बोला डिस्टर्ब मतलब क्रिटिसाइज किया बिना कारण के सबके सामने किया साथ में क्या मैं शांत हूं अगर हूं तब माना जाएगा कि हम मास्टर सर्व मान आत्मा है नहीं तो नहीं माना जाएगा एक बाबा की मुरली है जो मेरी फेवरेट है आई थिंक है शायद वो। तो उसमें बाबा ने कहा कि कई बच्चे हैं वो बहुत अभ्यास करते हैं मास्टर सर्व मान सब बाबा ने एग्जाम्पल दिया बाबा ने कहा कि कोई कितना भी कहे मैं रूहानी योद्धा हूं रूहानी योद्धा हूं दिन भर कहता रहे और असली में जब युद्ध हो तो वो भाग जाए क्या कोई मानेगा सोचिए युद्ध लगा और वो भाग गया कोई नहीं मानेगा ऐसे ही हम जितना भी कहें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं और पेपर से हम डर के भाग जाए कि बाबा कोई ना गलत ना बोले बस मुझे मुझे ये पसंद नहीं है कई लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे ना सिर्फ ये पसंद नहीं है कोई मेरे को वेट कराता है ना दैट इज नॉट एक्सेप्टेड नहीं क्यों कराने दो किसी को वेट अभी हमें बहुत बार एक्सपीरियंस होता है हमें क्योंकि सेवा में बाहर जाना होता है तो अभी हम एक जगह गए थे तो ट्रेन वहाँ पहुँच गई फोर फोर्टी फाइव मॉर्निंग ठीक है तो जो हमें लेने आना था जिन्होंने उनको पहले बताया हुआ था तो हमने फोन किया तो हमें पता लग गया फोन करते ही कि वो अभी अभी, अभी उठे हैं है ना पता लग जाता है ना तो बोला बस पाँच मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ लेकिन हमें पता है पांच मिनट माना क्या एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि भाई आए ना आए क्योंकि एक नियम हमने बनाया है कि डोंट वेट फॉर एनीमल है ना इसका मतलब ये नहीं कि खुद चले जाओ लेकिन इसका मतलब कि वो चाहे पंद्रह मिनट में आए बीस मिनट में आए आधे घंटे में आए ये मेरा समय है योग का हमने नियम बनाया है कि वेट हम करते नहीं है किसी का मान लीजिए टाइम दिया गया है पांच बजे और कोई वो साढ़े पांच फाइव फोर्टी पर आए लगभग वो जो समय था मेरा फोर्टी फाइव मिनट्स दैट वाज़ सो ब्यूटीफुल क्योंकि वो हमारा समय था योग का है ना एक बार भी हमने संकल्प क्रिएट नहीं किया कि ये लेट क्यों आया कई बार होता है ना अरे पांच मिनट कहकर इतना लेट आया इनको पहले कह दिया था आई वॉज सो ग्रेटफुल किस बात के लिए ग्रेटफुल क्योंकि जो ब्रदर हमें लेने आ रहे थे दो ब्रदर्स थे वो आ, टीचर्स थे उनको मुझे लेकर आगे सेवेंटी किलोमीटर्स जाना था है ना वो पहले से तैयार होकर खाना बनाकर दे वर रेडी फॉर मी इसलिए उनको समय लग गया आई वॉज सो ग्रेटफुल कि वो मुझे लेने आ रहे हैं मुझे वहाँ ड्रॉप करेंगे है ना लेट हो रहे हैं क्या हो रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए फिर तो डोंट एक्सपेक्ट किसी से भी हमें दुनिया में बाबा से करना है है ना इस दुनिया में किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहे कोई साथ में रहता है हमारे चाहे वो ज्ञान में है ठीक है आपने कुछ कहा वो कर दे, आई शुड बी सो ग्रेटफुल मतलब उनका काम है वो सेवा का बट अगर उन्होंने कर दिया आई शुड बी सो ग्रेटफुल मुझे एक्सपेक्टेशंस तो रखनी ही नहीं है कि वो करेगा ही हंड्रेड परसेंट उसको करना ही है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो खुश रहने की विधि है ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं क्योंकि वो अपनी यात्रा पर है चाहे वो मेरा भाई है चाहे वो मेरा जूनियर है चाहे वो कोई भी है वो एक आत्मा अपनी यात्रा पर है जरूरी नहीं है कि मेरा छोटा भाई छोटी बहन है या जूनियर है वो मेरी हर बात मानेगा नहीं वो आत्मा अपनी यात्रा पर है उसके अपने लाइक्स हैं उसके अपने डिसलाइक्स हैं उसके अपने संस्कार हैं तो ग्रेटिट्यूड शुक्रिया और हमारे बोल कैसे होने चाहिए पहले तो चेक किया मन शांत है या नहीं फिर हम कई जगह पे बोलेंगे मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए कई जगह नहीं बोलना चाहिए ट्रेन में खासकर होता है अभी एक बाई शेयर कर रहे थे कि ट्रेन में हुआ कि थोड़ा सा सामान जहां गए तो उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था काफी सारा तो जैसे ही उन्होंने उनको थोड़ा सा सही किया वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने ठीक है शांत रहे बोलते गए बोलते गए यहाँ पे कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सबसे अच्छा है शांत रहो क्योंकि कई लोग दुखी होते हैं और रहम होना चाहिए ना क्योंकि कई लोग बिना कारण की गुस्सा होते हैं दर इज नो रीजन जैसे हमारे यहाँ आवास निवास में जब हम होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे एक भाई लाइन लगी हुई थी बहुत भीड़ थी तो हम जो आ रहा था हम कर रहे थे एकदम से एक भाई आए इतना गुस्सा इतना गुस्सा कि अरे मैं इतनी देर से लाइन में लगा हूं है ना आप ऐसे कर कुछ जवाब नहीं देना है वहां पे शांत यहां यहां से शांत नहीं सिर्फ पहला चेकिंग यहां पर शांत वो आए हमने कहा ठीक है कोई बात आपका कर देते हैं उसमें क्या है मैंने सबसे पूछा कर दू इनका उन्होंने बोला कर दो हो गया चला गया वो फिर बाद में आया सॉरी मैं गुस्सा हो गया कई जगह पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला शायद उस मूड में नहीं है सुनने के लेकिन एक एग्जाम्पल और भी है कई जगह बोलना भी है हम यूथ विंग की सेवा में थे तो एक वीआईपी आए, आए तो वहां आप शायद जानते हैं थ्री इयर्स पूरे इंडिया में वो बस चली थी मेरा भारत स्वर्णिम भारत उसका नाम था तो वो आए तो हमारा नियम क्या था कि जैसे ही सेशन सारा कुछ हुआ तो हम एक ओपिनियन बुक थी तो हम लिखवाते थे कोई वी आई आता था उसका ओपिनियन कैसा लगा उसे तो वो अंदर आया हमने उसको दिखाया तो थोड़ा सा वो जल्दी कर रहा था जाने की हमने कहा सर बस दो मिनट लगेंगे आपको तो उसको एकदम से शायद पता नहीं क्या हुआ एंड वो बहुत बुरा बुरा बोलने लगा कि आ, आप लोगों को तो कोई काम नहीं है आप तो वेले हैं है ना हम तो बिजी है ऐसे ऐसे करके कि आप तो ऐसे आ जाते हैं आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और ऐसे घूमते हैं ऐसे करके तो वहां ये होता है ना बोलना है या नहीं बोलना है जो हम बात कर रहे थे कि कई जगह जवाब देना है नहीं देना है सबसे पहली चेकिंग जो हमने की दो मिनट पहले हम बैठे या दो मिनट भी नहीं थर्टी सेकंड्स लगे होंगे क्योंकि इतना पुरुषार्थ किया हुआ था तो अंदर देखा तो मन शांत था बिल्कुल एक्सेप्टेंस थी कि भाई उसके अपने ओपिनियंस हैं इट्स ओके कहीं सुना होगा उसने किसी YouTube पे देखा होगा या किसी ने कुछ बोल दिया होगा ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा उसका तो हमने उसको बड़े प्यार से कहा अंदर चेक करके शांत ये इंपॉर्टेंट है अंदर अगर शांत है तो बोलना ही नहीं है बस बात खत्म हो गई अंदर शांत थे तो हमने उनको कहा कि सर आप जानते हैं आ, मैंने दिखाया वहाँ पंद्रह लोग थे हम तो मैंने बताया कि ये चार लोग चार डॉक्टर्स थे उस समय पर मैंने बोला सर ये चार डॉक्टर्स हैं मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था उस समय मैंने बोला मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है टीचर बहने थी इंचार्ज थी जो सेंटर की वो थी दो बिजनेस मैन थे ऐसे अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे सभी तो हमने उनको कहा कि सर ये सब पंद्रह दिन की छुट्टी लेकर आए हैं यहाँ पर इनको कोई पैसा नहीं मिलेगा टिकट्स भी इन्होंने कराई आने जाने की यहाँ पर ये सेवा भी देकर जाएंगे मैंने कहा सर आप मेरे साथ पंद्रह मिनट चलिए पंद्रह दिन चलिए सेवा में आप चलने को तैयार हैं बहुत प्यार से हमने बोला क्योंकि अंदर डिस्टर्बेंस नहीं थी उसको बहुत रियलाइज हुआ उसने कहा कि सॉरी मुझे ऐसे लगा बाकी संस्थाओं की तरह तो हमने उनको यही कहा कि सर जब तक हम किसी भी स्थान पर सिर्फ मैं इस स्थान की बात नहीं कर रहा हूं बट किसी स्थान पर जाते नहीं उससे पहले हमें जज नहीं करना चाहिए एंड फिर उसने कोर्स भी किया है ना दीदी ने जो सेंटर के उनसे मिलाया और ही इज वेरी वेरी पॉजिटिव आ, योगी तो नहीं है मतलब सेंटर पे रोज नहीं आता है बट सहयोगी है वो सेवा भी करता है अपने संबंध संपर्क को भी कईयों को लेकर आया प्रोग्राम कराए उसने अपने तो कई जगह पर बोलना जरूरी है जब बाबा कहते हैं चुप रहना है शांत रहना है बाबा बात कर रहे हैं इंटरनली यहां से शांत जब हम यहां से शांत हैं ऑटोमेटिक हमें समझ आएगा कि कहा बोलना है कितना बोलना है और कैसे बोलना है ये सब चीजें जरूरी होती कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है ये भी क्लियर होता है अच्छा कितना बोलना है कहाँ चुप होना है फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम ज्यादा ही बोलना शुरू कर देते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है कैसे बोलना है क्योंकि अगर गुस्सा आपके अंदर आ गया आपको इरिटेशन हो गया आप बोल रहे हैं अब सामने वाला तो बैठा है वो ईगो क्लैश होना ही है फिर फिर तो लड़ाई झगड़ा होना ही है तो हमें याद है जब शुरू शुरू में आ, हम सबका ये अनुभव होगा है ना कि बाबा की मुरली से हमें सब उत्तर मिलते हैं तो एक बार ऐसा था कि हमारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया थोड़ा रात को जो हमारे रूममेट ही था तो वो शास्त्र पढ़ता था हमने ज्ञान जब सुना तो हमने कहा कि समझाओ इसको भगवान आया हुआ है और इसको पता नहीं है तो उसको समझाना शुरू किया बट आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई रात को बारह एक बज गए कम से कम उस आर्ग्यूमेंट में तो जैसे ही मुरली आई सबसे पहली लाइन बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है तो मैं इतना मैंने कहा बाबा आपको कैसे पता है ना और ये कदम कदम पे अनुभव हुए कि जो चीज पूछी बाबा से अमृत वेले में या रात को डिस्टर्ब हुए किसी वजह से नेक्स्ट डे पहली लाइन ये होती थी कि तुम्हें आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं करनी है उस दिन से डिसाइड कर लिया मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट समझा दिया बट आर्ग्यूमेंट नहीं क्योंकि मुझे याद है जब मैं समझा रहा था थोड़ा सा एग्रेशन आ गया था कि नहीं नहीं तुम गलत हो मैं सही हूं ऐसे करके तो बाद में आया कि नहीं नहीं आपको मैंने बताया है अब आप चलना चाहते हो ठीक है नहीं चलना चाहते आपकी मर्जी है तो इस तरीके से बाबा हमें यू नो हेल्प करता है हर कदम कदम पर बाबा एक्चुअल में हेल्प करता है बस हमें रिसीव करना है उसको तो जैसे आज बाबा मिलन है तो इसमें भी हम बाबा के प्यार का बाबा की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं उसके लिए जो आज हमने बात की वैसे तो अगर ये हम कर लें तो इतना सुंदर हमें अनुभव होगा है ना बाबा का शुक्रिया करें और मन को शांत दिन भर में और ट्रैफिक कंट्रोल जरूर हमें करना है घंटे के बाद क्या चेक करना है सिंपल पुरुषार्थ हर एक घंटे के बाद सिर्फ अपने संकल्पों को चेक कर दैट्स इट चेक एंड चेंज अपने संकल्पों को चेक किया फास्ट स्पीड है क्या चल रहा है उसको रिजोल्व किया एंड फिर कोई भी एक सोमान जैसे कि मैं शक्तिशाली अलग अलग सोमान अपने पुरुषार्थ को हमें क्रिएटिव बनाना है और उसकी सिंपल विधि जैसे हम तीन चार अनुभव बार बार करते हैं जैसे एक है देव स्वरूप का नई दुनिया को बार बार देखना और खासकर मुरली में जब आता है तो उधर पहुंच जाना बाबा कहते हैं वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा शांति नहीं होगी है ना ये चिंतन करना कि वहां सड़क होगी और ये ध्यान रखना है ये चिंतन उनके साथ शेयर नहीं करना है जो ज्ञान में नहीं है कई लोग ये भी उल्टा नशा भी चढ़ जाता है कई लोगों को वो उनके साथ शेयर करते हैं जो ज्ञान में नहीं है वो कहते हैं हाँ इनके सपने हैं सत्युग आएगा है ना ये तो चलो कोई नहीं इनको सोच लेने दो ऐसा शेयर करने की जरूरत नहीं है सबके साथ खुद अनुभव करें हम जैसे दिल्ली में अभी गए थे बहुत पोल्यूशन था तो वहां पर हम दुखी नहीं हुए कि क्यों इतना पोल्यूशन है बस चिंतन किया कि अभी तो इतना पोल्यूशन है लेकिन सत्युग में कैसी होगी दुनिया आप सोच के देखिए तो जब हम वो स्मृति में रहते हैं ना नई दुनिया की तो पुरानी दुनिया का कोई भी आकर्षण अटैचमेंट अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है हमें चाहिए नहीं इस दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जैसे बाबा का एग्जाम्पल सुना ना कि ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा जब उनको नया मकान बना सबने कहा बाबा नए मकान में चले जाओ बाबा ने क्या बोला पुरानी दुनिया में नया मकान कहां से आया पुरानी दुनिया में सब कुछ पुराना है तो हमारे पुरानी दुनिया में जो ये चाहिए नेम फेम चाहिए पैसा चाहिए कोई तो रिस्पेक्ट करे कोई तो पद पोजीशन चाहिए नहीं कलयुग में कुछ नहीं चाहिए सब कुछ कांटो भरा है यहाँ पर हाँ अपने आप कोई चीज मिलती है मान लीजिए कोई अब ये भी ध्यान रखना है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिल रही है सेवा की ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए ठीक है वो मिल रही है निमित मात्र हमें लेकिन चाहिए नहीं हमें और जब नहीं चाहिए होगी तो मिलेगी लेकिन उसमें ध्यान रखना है उसमें अगर फंस गए हम तो डर भी होगा चिंता भी होगी योग नहीं लगेगा फिर ये डर होगा कि कोई मुझसे छीन कोई पद पोजीशन, आज का ये समय है ना कलयुग का मान लीजिए कोई पद मिल गया पोजीशन मिल गई अब लोगों को ये टेंशन रहती है कहीं छूट ना जाए लेकिन जब हमें चाहिए ही नहीं है मिलेगा तो भी ठीक है हम निमित्त बन के वो करेंगे एंड जाएगा तो भी अच्छी बात है है ना तो साक्षी होना या निमित इंस्ट्रूमेंट बन के चलना वो कब होगा जब नई दुनिया की स्मृति होगी इस पुरानी दुनिया में कुछ नहीं चाहिए किसी रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए नहीं तो बाकी चीजें तो हम छोड़ देते हैं हम कहते हैं लेकिन थोड़ा प्यार से तो बात करें ना लोग थोड़ा तो रिस्पेक्ट दें नहीं वो भी नहीं चाहिए वो कब नहीं चाहिए जब हम खुद को देंगे दूसरों को देंगे विदाउट एक्सपेक्टिंग तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ करना है विचार सागर मंथन करना है शॉर्ट में पहली चीज मन शांत अंदर से शांत बाहर से शांत नहीं सिर्फ ये पक्का करना है ओम शांति मीन्स सिर्फ ये नहीं कि यहां नहीं बोलना है ओम शांति मीन्स यहां नहीं बोलना है शांत पहला सेकेंड खुशनुमा चेहरा इसको अगर कनेक्ट करें शुक्रिया से आज प्रैक्टिस करेंगे फिफ्टी टाइम्स शुक्रिया शब्द बोलना है सोचना है एंड चेहरे पे क्या होनी चाहिए तब स्माइल होनी चाहिए मुरली सुनते हुए चेहरे पर स्माइल योग करते हुए चेहरे पे स्माइल दुखी चेहरे से योग नहीं करना है ठीक है तीसरा ग्रेटिट्यूड शुक्रिया है ना खुशी और शुक्रिया कनेक्टेड हो गया फिर फोर्थ हमारे शब्द कैसे हैं बोल बोल मधुर बोल, respectful। सामने वाला गुस्सा कर रहा है हम प्यार से बात कर रहे हैं ये सबसे इसमें मजा है एक्चुअल सामने वाला भी थोड़े समय के बाद चुप हो जाएगा फिर सामने वाला गुस्से से बात कर रहा है हम अपने वो अगर खड्डे में गिर रहा है हम खड्डे में नहीं गिरेंगे राइट right? फिर है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट होना आप जो भी धारणा कर रहे हैं विचार सागर मंथन करिए बी कॉन्फिडेंट सामने वाले के साथ आप शेयर कर सके वो माने ना माने वो अलग चीज है क्योंकि वो उसका ओपिनियन है उसकी लाइफ है बट आई शुड बी कॉन्फिडेंट कब होंगे कॉन्फिडेंट जब हम अंधविश्व ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं सोच समझ कर चिंतन करके हम कर रहे हैं क्यों मुझे दुनिया वाले लोगों को याद नहीं करना है क्यों डिटेचमेंट होनी चाहिए ये खुद करे तो जीवन में भी एक्चुअल में सही से कर पाएंगे नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारा किसी से बात करने का मन ही नहीं करता घर में रहते हैं किसी से बात ही नहीं करते प्यार से कोई हमें बुलाता है चेहरा हमारा गुस्से वाला हो जाता है कि मेरे को बुलाया क्यों मेरे को योग करने दो नहीं सबके साथ खुशी से कैसे रहे वो ज्ञान में नहीं भी है अगर तो भी उनको स्वीकार कैसे करें है ना विचार सागर मंथन से अपने संस्कारों को भी हमेशा दुखी नहीं होते रहना इन्हों इनके कारण मैं दुखी उन्होंने परेशान हम कैसे एडजस्ट करें सबके साथ लेकिन धारणाओं पर चलते हुए ऐसे नहीं कि वो कह रहे हैं खाना खा लो हमारे हाथ का तो हम खा ले धारणाएं भी हमें फॉलो करनी है बट इट डज नॉट मीन कि हम आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे आपके साथ बैठेंगे नहीं जैसे हमें याद है जब शुरू शुरू में हम आए तो जो हमारी टीम थी तो हम उनके साथ बैठ के ही खाना खाते थे हाँ मैं अपना बनाकर जाता था वो जो भी ऑर्डर करते थे बट उनके साथ बैठकर है ना तो धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाना एक्सेप्टेंस को बढ़ाना खुशी को बढ़ाना तो इसे हम कहेंगे रूहानी पर्सनैलिटी तो आप सब तो हैं रूहानी गुलाब हैं या नहीं है किस किस को लगता है कि मैं रूहानी गुलाब हूं लिखें एक बार हैंड रेस करें किस किस को लगता है कि मैं रूहानी गुलाब हूं एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो किस किस का वीडियो ऑन है हाँ काफी का है ओके हाँ हाथ खड़ा करके रखेंगे मैं देखता हूं एक बार कि आपके चेहरे से और हाथ से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है सभी वीडियो ऑन करेंगे जो जो कर सकते हैं और जो जो रूहानी गुलाब हैं हाथ खड़ा करेंगे हाँ सबके चेहरे से लग रहा है कि रूहानी गुलाब है यस तो ऐसे ही हमें चेहरा हमारा कैसा हो मुस्कुराता हुआ और कोई गाली भी दे रहा है अगर कोई गुस्सा भी कर रहा है तो भी हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए हंसने वाला नहीं होना चाहिए नहीं तो और ज्यादा वो गलत बोलेंगे बट चेहरे पर दुख की लहर ना आए फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड जैसे मन में कुछ होता है ना आप चेक करेंगे चेहरा भी बदल जाता है किसी ने निंदा की चेहरा बदल जाता है तो एक दिन हम पुरुषार्थ वैसे तो एक महीना बट एक दिन लक्ष्य रखते हैं कोई कुछ बोलेगा हमारा चेहरा बदलेगा नहीं ठीक है दुख की लहर नहीं आएगी क्यों जो वो बोल रहा है बोलने दो चेकिंग हो रही है ना कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है चेकिंग हो रही है यही तो चेकिंग है पेपर है ये छोटे छोटे पेपर्स हैं अंत में जो काम आएंगे ठीक है चलो पांच मिनट हम मेडिटेट करते हैं पूरा ध्यान खुद पर चारों तरफ से ध्यान हटा लें देखें अपने प्रकाश को मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही एक मिनट के लिए सिर्फ अपने प्रकाश को देखें सफेद प्रकाश मैं शक्तिशाली आत्मा हूं ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा में समा समारहे मैं आत्मा चार्ज हो रहे मेरा प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा पूरे ब्रेन में सफेद प्रकाश आंखों में चेहरे में गर्दन में शोल्डर्स में पीठ में कमर में धीरे धीरे देखें प्रकाश को फैलते हुए हाथों में एक, एक सेल पवित्र हो रहा है अंदर की सब इंप्योरिटी समाप्त मैं संतुष्ट मणि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए मैं भरपूर अब देखें अपने देव स्वरूप को तुम ही देवी देवता थे फिर से बन रहे हो हर्षित मुख चेहरा संपूर्ण निर्विकारी निश्चिंत संपूर्ण पवित्र सर्वगुण संपन्न टोर पावरफुल वाइब्रेशंस पवित्रता का आभामंडल डबल सिरदाज शांति शुक्रिया शुक्रिया